good morning, dear students. now today we shall start new course under sec. the title of the course is indian history and culture. code is history a 317. dear students, in this new session, first of all, i would like to welcome you. we are meeting with the virtual technique, so i think that you will enjoy it. एंड यू विल प्रपेयर योर सेल्फ वेल सबसे पहले सिलेबस की हम बात करते हैं जो एस सी सी के हमारे दो कोर्स है उसमें से हमने सबसे पहले जो एस सी सी तीन है जिसका टाइटल इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हैं उसको हमने टेकअप करना है इसमें हमारे पास चार यूनिट हैं और चार यूनिट में अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं फर्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं जिसका टाइटल है एनवायरमेंट कल्चर ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस इसमें तीन चैप्टर हैं सबसे पहले ऐतिहासिक अवलोकन है दूसरा है औषधीय पौधों का मौखिक तथा संकलित विवरण है और तीसरा है जल तथा जल के स्रोत सेकेंड यूनिट में भी आपके पास तीन चैप्टर हैं और सेकेंड यूनिट का जो टाइटल है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म इसमें पहला चैप्टर है आवासीय समस्याएं तथा आवासीकरण दूसरा है सामाजिक विभेदीकरण और तीसरा है संचार व्यवस्था थर्ड यूनिट हैं आपके पास सोशल इनिकवलिटी एंड जेंडर इसमें भी तीन चैप्टर हैं पहला है महिलाओं की घरेलू स्थिति का एक अवलोकन महिलाओं का वर्तमान परिदृश्य और तीसरा है रोजगार तथा तत, संसाधनों का वितरण ये तीन चैप्टर हमने थर्ड यूनिट में कवर करने हैं और जो लास्ट फोर्थ यूनिट है इस जिसका नाम आपके पास कल्चरल हेरिटेज है इसके अंतर्गत भी हमारे पास चार चैप्टर दिए गए हैं फर्स्ट है विरासत के मुख्य अवयव बेनिरमित धरोवर मेले तथा त्यौहार अब हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि आपके एस में दिया गया है एनवायरमेंट जोग्राफी एंड हिस्ट्री एज यू नो माई डियर स्टूडेंट्स द हिस्ट्री ऑफ ए प्लेस इज डिसाइडेड बाई द ज्योग्राफी ऑफ दट प्लेस अर्थात किसी देश का इतिहास उस देश के भूगोल द्वारा भी निर्धारित किया जाता है मीन्स देर इज द रिलेशन बिटवीन ज्योग्रफी एंड हिस्ट्री सो फार एज कंसर्न टू ज्योग्राफी ज्योग्राफी के अंदर कई प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि हमारे पास जो है वो आप सभी जानते हैं हाइड्रोस्फियर है लिथोस्फियर है बायोस्फियर है ये सब मिलकर के ही एनवायरनमेंट बनाते हैं और एनवायरनमेंट का भी इतिहास के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आपने इसमें में मेंशन करनी है और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें आप इस चीज़ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट इतिहास में रहा है प्रारंभ में भारतवर्ष को आर्यव्रत भी कहा गया ब्रह्म देश भी कहा गया आदि देश भी कहा गया और उसके पश्चात इसे सिंधु देश कहा गया सिंधु नदी के नामकरण के आधार पर और बाद में सिंधु शब्द जो है वो हिंदू के रूप में प्रयोग किया जाने लगा हिंदुस्तान के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा और इंडस नदी से ही इसे इंडिया की संज्ञा दी गई थी भारत के नाम से इसे भारत कहा गया और भारत जो है विश्व का सातवां विशाल देश है इसकी जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत है और एरिया जो अगर हम बात करें तो बत्तीस लाख सतासी हज़ार वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है और विश्व के एरिया का 2.42 परसेंट है यह 28 राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हैं भारत के नौ राज्य और पांच केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी तटीय सीमा है और कुल तटीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो पिचहत्तर हजार एक सौ छियासठ किलोमीटर है भारत की सीमा रेखा पड़ोसी देशों के साथ लगती है और पड़ोसी देशों में अगर हम उत्तर की बात करें तो चीन है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है और इसी तरह से अगर हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की बात करें नेपाल हैं भूटान हैं और चीन है और म्यांमार हैं इसके साथ साथ एक तरफ अरब सागर हैं दूसरी तरफ जो है वो बे ऑफ बंगाल हैं और साथ में श्रीलंका के साथ भी इसकी जो है वो सीमा निर्धारित रहती है भारत का इतना भौगोलिक विविधताएं विद्यमान है भारत के अंदर भारत को एक जो है वो सब कंटिनेंट की संज्ञा दी जाती है यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ हैं हिमालय पर्वत की तरह सदाबहार बहती हुई नदियां हैं दक्षिण पठार में जो है वो मौसमी नदियां हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर राजस्थान में थार जैसे रेगिस्तान हैं और दक्षिण के विशाल पठार हैं विशाल समतल मैदान उत्तर भारत में हैं अर्थात इतनी बड़ी विविधताएं यहाँ पर हैं जिसके कारण इसे एक उप महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है इससे पहले कि हम ये जान लें कि किस प्रकार जो है वो भूगोल का इतिहास के ऊपर प्रभाव रहा है संक्षिप्त में हम यह जान लें कि भारत का भौगोलिक विभाजन किस प्रकार किया गया है सबसे पहले उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है जिसके विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी तो उसमें आपको विशेष रूप से जो हिमालय पर्वत हैं उत्तर के विशाल मैदान हैं इनके विषय में डिस्क्रिप्शन दिया था फिर भी संक्षित में मैं आपको ये बता दूं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है यह आप ये कह सकते हैं कि अरब सागर के मकराना तट से लेकर के जब वो शुरू होता है और इसकी श्रृंखलाएँ म्यांमार तक जाती हैं ये उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय पर्वत और इसकी जो चौड़ाई है वो साढ़े चार से 500 के बीच में किलोमीटर के बीच में है और उत्तर भारत में चाहे बाहर बहने वाली नदियाँ रही हो या औषधीय पौधे रहे हो इमारती लकड़ियाँ रही हो या जलवायु के ऊपर जो प्रभाव हिमालय पर्वत का पड़ता है अर्थात जो साइबेरियन जो क्षेत्र है वहाँ से जो आने वाली शीत लहरें हैं उसको हिमालय पर्वत ही रोकता है और जो मानसून है हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण ही भारत में जो वर्षा करती है तो ये हिमालय पर्वत जो हम कह सकते हैं कि इसका जो है भौगोलिक रूप से और पर्यावरण रूप से बहुत महत्व रहा है हिमालय पर्वत कई श्रृंखलाओं में विभक्त हैं शिवालिक श्रृंखला इसकी सबसे निम्न श्रृंखला मानी जाती है उसके पश्चात धौलाधार श्रृंखला है पीर पंजाल है जांस्कर श्रेणी है अल्पाइन खंड है ये हिमालय पर्वत की अलग अलग श्रृंखलाएँ हैं और अलग अलग बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और हिमनंद है यहाँ पर स्थित जिसके कारण सदावार नदियाँ जो है वो हिमालय से बहती रहती है इतिहास में इसका क्या प्रभाव रहा ये आगे हम इसको स्टडी करेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है उत्तर के विशाल मैदान जिसमें कि सिंधु नदी का जो विशाल मैदान है और गंगा नदी द्वारा निर्मित जो विशाल मैदान है ये भारत के जो है बास्केट्स ऑफ ब्रेड्स कहे जाते हैं अर्थात उत्तर भारत के सबसे उपजाऊ मैदान हैं यहाँ पर सदाबहार नदियों द्वारा अपने साथ लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है वो उससे निर्मित उपजाऊ क्षेत्र हैं बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास जो है वो इन्हीं उत्तर के विशाल मैदानों में हुआ था चाहे आर्यव्रत से लेकर के आदि देश से लेकर के या आप कहे जो मौर्य प्रशासन है या मौर्य साम्राज्य है गुप्त साम्राज्य है हर्षवर्धन का राज्य है ये दिल्ली सल्तनत है ये सभी जो तत्कालीन राजवंश या आप कहेंगे कि जो भारत में तत्कालीन राजव्यवस्था स्थापित हुई ये उत्तर के विशाल मैदानों में ही स्थापित हुई थी उत्तर का विशाल मैदान भी लगभग 2400 किलोमीटर से लेकर के जो है वो लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर से साढ़े चार किलोमीटर के मध्य है, रहती है ये उत्तर का विशाल मैदान उपजाऊ होने के साथ साथ बड़ी बड़ी जो व्यापारिक सभ्यताएं हैं या व्यापारिक केंद्र हैं उनके लिए भी बहुत उपयुक्त रहा है तीसरा जो भाग है वो है दक्षिण के पठार दक्षिण के पठार विशेष रूप से दो पठार यहाँ पर उल्लेखनीय हैं एक है दक्कन का पठार दूसरा है छोटा नागपुर का पठार ये दक्षिण का पठार भौगोलिक स्थिति से अगर हम बात करें त्रिकोणीय क्षेत्र हैं लावा से निर्मित क्षेत्र हैं बहुत उपजाऊ क्षेत्र नहीं है इसलिए यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जो स्वभाव व्यवहार जो है वो परिश्रमी रहा है अर्थात संघर्षरत रहा है जीवन उपार्जन के लिए इसलिए यहाँ के लोग बहादुर और साहसी रहे साथ में दक्षिण के जो तो पठार हैं वो लावा से निर्मित होने के कारण यहाँ पर उपजाऊपन कम है और यहाँ पर अधिक जो विशाल संस्कृति और विशाल संस... सभ्यता है उनका विकास नहीं हो पाया था अगला जो तटीय मैदान है कोस्टल जो प्लेन्स जिसको आप कहते हैं एक पश्चिम की तरफ है और एक पूर्व की तरफ है जो पश्चिम तटीय मैदान है जो कि कच्छ से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाता है इसमें विशेष करके कोंकण का तट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है मालावार तट बहुत महत्वपूर्ण है ये तटीय मैदान भी उपजाऊ मैदान रहे हैं यहाँ पर जो है वो विशेष करके धान की खेती और जो कोकोनट है नारियल की खेती इसके लिए बहुत उपयुक्त रहे हैं मसालों के लिए ये क्षेत्र बहुत उपयुक्त रहे हैं और व्यापारिक दृष्टि से तटीय मैदानों का अपना एक विशेष महत्व तो रहा है जितने भी विदेशी व्यापारी आए या भारत ने जो विदेशों के साथ व्यापार किया ये इन तटीय मैदानों से ही संभव हो पाया था जो पूर्वी तटीय मैदान है जो हमारे पास गंगा के मुहाने से शुरू होकर के आशांतरिक तक जाता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो आ, तटीय मैदान रहा है और यहाँ पर उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी जो भाग है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है यहाँ पर भी कई महत्वपूर्ण बंदरगाहें स्थित प्राचीन समय से रही हैं जिसने की संस्कृति सभ्यता के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिन्हें द्वीप स्वर्ण भूमि कहा जाता था जिसमें मलाया है जावा है सुमात्रा है ये महत्वपूर्ण जो तत्कालीन राज्य थे इनके साथ जो है वो संबंध स्थापित इन तटीय मैदानों से ही संभव हो पाए थे लास्ट है द्वीप समूह भारत में अगर द्वीप समूह की हम बात करें तो भारत में जो है वो दो जो है जो वो द्वीप समूह हैं आइलैंड्स हैं जिसमें से कि महत्वपूर्ण जो तरतालीस आइलैंड हैं वो अरब सागर में स्थित हैं और बाकी के जो है और बंगाल में स्थित है यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ये जो द्वीप हैं उनमें से जो अरब सागर में स्थित हैं जिसमें की कावारती है लक्षद्वीप है मिनी कॉय है ये कोरल रीफ प्रवाल भीति से निर्मित द्वीप समूह हैं। इनका व्यापारिक महत्व तो होने के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व तो भी रहा है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, जो कि बंगाल में स्थित हैं, और इनमें विशेष करके जो टेन डिग्री चैनल्स हैं ये अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है और ये भी साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज रही है इनके साथ व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नेक्स्ट जो हमने इसमें बात कवर करनी है वो है इतिहास और संस्कृति पर प्रभाव जो भूगोल है पर्यावरण है उसका क्या प्रभाव इतिहास और संस्कृति पर रहा है अर्थात इन दोनों का क्या परस्पर रिलेशन रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है सबसे पहले हम बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता की क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जलवायु रही है गर्म जलवायु भी शुष्क जलवायु भी ठंडी जलवायु भी रही है इसलिए विविध संस्कृति का विकास भारत में हुआ था उत्तर भारत में एक अलग संस्कृति का विकास हुआ दक्षिण भारत में अलग संस्कृति का विकास हुआ पश्चिम और पूर्व भारत में अलग अलग संस्कृति का विकास हुआ ये पर्यावरण के कारण भौगोलिक स्थिति के कारण और भौगोलिक विषमताओं के कारण और भौगोलिक विशिष्टता के कारण ही विविध संस्कृतियाँ यहाँ पर जो है वो पनपी थी विभिन्न जो ललित कलाएँ हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर विविध भाषाओं का विकास है और खान पान कॉस्ट्यूम्स आप कह सकते हैं ये सभी जो है वो अलग अलग जो पनपे या अलग अलग जो संस्कृतियाँ का विकास हुआ ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण और यहाँ की पर्यावरण के कारण जलवायु के कारण ही ऐसा संभव हो पाया था आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि दक्षिण भारत में जलवायु के कारण ही लोगों का जो रंग है वो डार्क जो ब्लैक है वो रहता है उत्तर भारत के जो लोग हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के रहे हैं तो कहने का मतलब है एक जलवायु का के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है और जो ललित कलाएं हैं या आप कह सकते हैं जो लोक संस्कृतियां हैं वो भी भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न यहाँ पर रही है अलग अलग राज्य का अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र का अपना जो अलग संस्कृत सांस्कृतिक पहचान है वो भी विशेष करके भौगोलिक और पर्यावरण के कारण ही ऐसा संभव हो पाया दूसरा जो है वो मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ था अर्थात यहाँ पर सदियों से जो परस्पर सौहार्द का माहौल है या आप कह सकते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो जैन बौद्ध ये सदियों से साथ रहते हुए आए हैं और एक मिश्रित संस्कृति का विकास यहाँ पर हुआ अर्थात हमारी एक इतनी विशाल संस्कृति रही है कि विदेशों से आने वाली संस्कृति को भी आत्मसात किया है चाहे अरब आक्रमणकारी रहे हो मुस्लिम आक्रमणकारी रहे हो या बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो है वो सभ्यता का विकास करने का प्रयास किया था उन सभी संस्कृति को भारत ने आत्मसात करने का प्रयास किया अर्थात एक मिश्रित संस्कृति का विकास यहाँ पर हुआ ये भौगोलिक और जलवायु के कारण ही संभव हो पाया था क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति विविध थी, थी इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति को पनपने वाले अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले लोग जब परस्पर स्वयं मिले तो उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान किया और मिश्रित संस्कृति यहाँ पर विकसित हुई थी तीसरा है आर्थिक विविधता अर्थात भारत में आर्थिक विविधता भी भौगोलिक बनावट के कारण ही उपलब्ध रही है हिमालय पर्वत में जहाँ इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती थी आर्थिक दृष्टि से उनका व्यापार किया जाता था वहीं उत्तर के विशाल मैदान में अन्न का अधिक पैदावार रहता था दक्षिण भारत में मसालों की अधिक पैदावार होती थी और दक्कन के पठार में कपास की अधिक पैदावार होती थी इसके कारण जो है यहां पर आर्थिक उत्पन्न रही अर्थात भारत में भौगोलिक स्थिति के कारण ही लोगों ने यहाँ पर विभिन्न व्यवसाय अपनाए विभिन्न व्यवसायों को पनपने का अवसर मिला और उन व्यवसायों को आगे समाज में ले जाने का अवसर जो है वो यहाँ इसके कारण ही प्राप्त हो पाया था आर्थिक विविधता से हम इस चीज का भी अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वहां पर जो खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो संपूर्ण भारत में वितरित किए जाते हैं अर्थात जिन क्षेत्रों में इन चीजों का अभाव होता है उन क्षेत्रों के लिए यहां से जो है अनाज वितरित किया जाता है अर्थात यहाँ पर कई रूप में आर्थिक विविधता विद्... विद्यमान रही है नेक्स्ट है सामाजिक विविधता सामाजिक विविधता भी भारत का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहा है और समाज में जो विशेष करके विभिन्न वर्णों का उदय हुआ और विभिन्न वर्ण आगे जातियों में परिवर्तित हुए वो भौगोलिक और पर्यावरण और जलवायु का भी एक कारण रहा है उन चीजों को पनपने में क्योंकि एक अलग थलग समाज या आप एक ऐसा रीजन कह सकते हैं जिस रीजन का अन्य भूगोल भौगोलिक रीजन से कटाव रहा हो अन्य भौलिक भौगोलिक रीजन से पृथकता रही हो जब वो उस रीजन में समाज के विभिन्न दायित्व को निभाने की बात या निर्वाह करने की बात आती हो तो उस समय समाज का वर्गीकरण स्वाभाविक रूप से भौगोलिक विषमता के कारण ही हुआ जातीय व्यवस्था भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक भौगोलिक परिस्थिति का परिणाम रहा समाज के अंदर विभिन्न व्यवसाय उत्पन्न हुए और उन व्यवसायों को जातियों के साथ जोड़ करके देखा गया तो ये एक भौगोलिक कारण भी रहा है जिसके कारण कि यहाँ पर सामाजिक विविधता उत्पन्न हुई राजनीतिक विविधता की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय से यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश स्थापित हुए अलग अलग राज्य स्थापित हुए और उनकी अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था प्राचीन समय और मध्यकाल में रही थी ये एक भौगोलिक व्यवस्था का ही परिणाम था या आप कह सकते भौगोलिक जो स्थिति है उसका ही परिणाम था क्योंकि दक्षिण भारत पूरब, उत्तर भारत और पश्चिम भारत को एक ही जगह से शासित करना संभव नहीं था इसलिए सभी रीजन्स में अलग अलग जो है वो राज्य साम्राज्य विकसित हुए उन्होंने अपनी अलग अलग जो है प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की अलग अलग जो है राजस्व व्यवस्था स्थापित की अलग अलग जो है उनके प्रशासनिक इकाइयाँ स्थापित जो है उन्होंने उनके द्वारा की गई थी तो ये भी हम कह सकते हैं कि संस्कृति पर जो है वो इतिहास पर प्रभाव रहा है और नेक्स्ट है नस्लीय तथा जातीय विविधता अर्थात यहाँ पर विभिन्न रेसेस जो है वो विभिन्न काल में भारत में आई थी चाहे वो आर्यन भी एक रेस रही यहाँ पर जो है वो मंगलॉयड भी आए यहाँ पर जो है वो द्रबिड़ियंस भी आए यहाँ पर जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड्स भी आए यहाँ पर जो है वो निग्रो भी आए ये अलग अलग जो है वो नस्ल के भारत में आने वाली जातियाँ थी प्रजातियाँ थी और उन्होंने भारत की जो विविध भौगोलिक स्थिति थी उसका लाभ उठा करके अपने अपने अलग अलग जो है पॉकेट्स स्थापित किए अपने अपने जो है वो राज्य स्थापित किए अपने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिसके कारण जो है वो यहाँ पर नस्लीय और जातीय विविधता विकसित हुई अर्थात यह भी हम ये कह सकते हैं कि भारत के भौगोलिक स्थिति का ही परिणाम रहा कि यहाँ पर नस्लीय और प्रजातीय और जातीय विविधता विद्यमान रही सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर आपको जो असाइनमेंट्स दी जा रही हैं, इस असाइनमेंट्स को आपने लिखित में ग्रुप में पोस्ट करना है और असाइनमेंट सी है कि इतिहास व संस्कृति पर भूगोल के पढ़ने वाले जो प्रभाव है उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए प्रभाव मैंने आपको ये बता दिए हैं सांस्कृतिक विविधता है मिश्रित संस्कृति है आर्थिक विविधता है सामाजिक विविधता है राजनीतिक विविधता है नस्लीय विविधता है ये प्रभाव है इनको आपने एलोबरेट करना है इन पॉइंट्स को और ग्रुप में आपने पोस्ट करना है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर थैंक यू एंड हैवे नाइस डे